मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के तत्वाधान में आज तहसील कार्यालय के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को उठाते हुए धरना दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को सौंपा। जिला अध्यक्ष अंजलि यादव के संयोजन में आयोजित धरने के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रशासन द्वारा अन्य कार्य भी कराए जाने पर नाराजगी जताई। इसके बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर संघ के बैनर तले एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में ड्रॉप पिलाने, वोटर लिस्ट के लिए सर्वे करने, जन्म मृत्यु पंजीयन कराने, जनगणना मतदाता सूची सहित अन्य सभी कार्यों को रेखांकित करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं पर काम के बोझ को रेखांकित किया गया। आज हमारा 15 जून को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में धरना है और हमारी मुख्य मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और मेरी बहनों को 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए और सहायिकाओं को 9,000 रुपये मानदेय। और अभी जो नई पाठशाला शुरू करी है अपने गुना जिले में, अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पाठशाला के रूप में का दर्जा मिला है। मैं आगे मांग करती हूँ कि मेरी सभी बहनों को पाठशाला में शिक्षित कराएं। विज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उचित श्रेणी देना, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये व 9,000 रुपये किए जाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय के रूप में मान्यता देते हुए यहां पदस्थ कार्यकर्ताओं को प्राथमिक शिक्षक एवं सहायिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षक पदनाम दिए जाने के साथ साथ कई और मांगें भी रखी।